गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा, हम लोगों ने कल अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने ए और एन का यूज़ देखा था, यूज़ ऑफ ए एंड एन, ए और एन का यूज़ देखा था। क्या कहा था हमने कि ए उस जगह यूज़ करेंगे, किस जगह, कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो वर्ड है उससे पहले ए यूज होगा, वोवल स्टार्टिंग वर्ड है उससे पहले एन यूज होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया उससे पहले कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, फाइव वोवल्स होते हैं। इन फाइव वोवल्स को छोड़कर जो 21 अल्फाबेटिक लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर कल हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की थी। ठीक है, अभी हम करते हैं आज हमारे एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स एंड ऑल्सो पुट ए और एन बिफोर देम। जो पिक्चर्स दी हुई हैं हमें यहाँ पर, जो 10 पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें पहले इन पिक्चर्स को देखना है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है, उसका नाम लिखना है, और उससे पहले, उससे बिफोर क्या यूज़ करना है, ए और एन का यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर किसकी है, एंट। पहले स्पेलिंग लिखो, ए एन टी, एंट। एंट से पहले क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं या एन का करते हैं, स्टार्ट ए से हो रहा है एंट का वर्ड। सो किस चीज, ए क्या है बेटा, ए इज अ वोवल। वोवल से पहले किस चीज का यूज करेंगे, एन का। किस चीज का यूज करेंगे बेटा, ए एन, एन का। ठीक है, सेकंड क्या है, पेन। सो स्पेलिंग लिखो, पेन की स्पेलिंग पी ई एन, पेन। ठीक है बेटे, स्टार्ट किससे हो रहा है, ये पेन वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से। पी क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होता है, ए। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होता है, ए। तो क्या लिखेंगे, ए पेन। ठीक है, फिर थर्ड है बर्ड। थर्ड क्या है बेटा, बर्ड। बर्ड की स्पेलिंग बी आई आर डी, बर्ड। ठीक है, स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। बी से स्टार्ट हो रहा है, बी क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट, बी इज अ कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट से पहले किस चीज का यूज होता है, ए का। कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज होता है, ए का। सो ए बर्ड। ठीक है, फोर्थ एरोप्लेन, स्पेलिंग ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। ठीक है, अब बताओ ए वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है। वोवल से पहले किसका यूज करेंगे, एन का। किसका यूज करेंगे, एन का। सो एन एरोप्लेन। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ इंक पॉट। फिफ्थ क्या है, इंक पॉट। स्पेलिंग आई एन के पी ओ टी, इंक पॉट। बेटा स्टार्ट किससे हो रही है, आई। आई बताओ वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, आई वोवेल है या कॉन्सोनेंट, आई वोवेल है। वोवेल है तो इससे पहले क्या यूज करेंगे, एन। फिर सिक्स्थ है ड्रम। सिक्स्थ क्या है, ड्रम। स्पेलिंग बोलो डी आर यू एम, ड्रम। ठीक है, ड्रम किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। डी क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट है। सो कॉन्सोनेंट से पहले किस चीज का यूज करते हैं, ए का। ए का यूज करते हैं, सो ए ड्रम। ठीक है, फिर सेवंथ क्या है, मंकी। मंकी की स्पेलिंग एम ओ एन के ई वाई, मंकी। ठीक है, सो
मंकी किस जो स्पेलिंग है उसमें एम स्टार्टिंग वर्ड क्या है? एम। एम वोवेल है या कॉन्सोनेंट? एम कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज करेंगे? ए। ठीक है, फिर एट्थ है जग, जे यू जी जग। ठीक है, जग में जे वोवेल है या कॉन्सोनेंट? जे कॉन्सोनेंट है, सो ए यूज करेंगे इससे पहले। फिर एलिफेंट स्पेलिंग बोलो, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या यूज करेंगे? एन। फिर है बास्केट, बी ए एस के ई टी, बास्केट। ठीक है, बास्केट से पहले क्या यूज करेंगे? ए। हो गया, गुड। फिर है सी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन टू कंप्लीट द स्टोरी। ये जो स्टोरी हमें दी हुई है इससे पहले ए या एन का यूज करना है हमें, ठीक है, इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। सो द गुप्ता फैमिली इज गोइंग ऑन पिकनिक। ठीक है, पिकनिक से पहले ब्लैंक है, पिकनिक किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होता है? ए और एन में से कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज होता है? ए। मिस्टर गुप्ता की फैमिली पिकनिक पे जा रही है, कहाँ? टू डैश पार्क। कहाँ जा रही है? पार्क में। पार्क से पहले ब्लैंक है, ठीक है, किससे पार्क है, किससे स्टार्ट होता है पार्क की स्पेलिंग? पी से। पी से स्टार्ट होती है, सो पी क्या है? एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है, टू ए पार्क। मदर पैक्स एप्पल, एप्पल से पहले ब्लैंक है, एप्पल से पहले ब्लैंक है, तो क्या आएगा? ए क्या है? ए वोवल है, वोवल से पहले एन एप्पल। फॉर नेहा, नेहा के लिए मम्मा ने एप्पल पैक किए। डैश ऑरेंज फॉर समीर, और समीर के लिए ऑरेंज, ऑरेंज से पहले ब्लैंक है। ओ किससे स्टार्ट, ऑरेंज की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ओ से, है ना, और ओ से पहले हम ओ क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट? ओ वोवल है, ठीक है। सो किस चीज का यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, एन का? एन का, वोवल से पहले एन का यूज करेंगे। डैश बॉटल ऑफ जूस फॉर मिस्टर गुप्ता, और मिस्टर गुप्ता के लिए जो जूस बॉटल है वो पैक की है, ठीक है। सो बॉटल से पहले ब्लैंक है, बी क्या है, वोवल या कॉन्सोनेंट? बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज होता है, ठीक है। फिर एंड डैश सैंडविच फॉर हरसेल्फ, और अपने लिए उन्होंने सैंडविच पैक की है। सो सैंडविच की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? एस से। एस क्या है, वोवेल या कॉन्सोनेंट? एस कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज करेंगे? ए, ठीक है। समीर सेड आई वॉन्ट टू राइड, समीर ने कहा आई वॉन्ट टू राइड, मैं घूमना चाहता हूँ। ऑन किस पर? ट्रेल, कहाँ पर? ट्रेल, ट्रेन। सो ट्रेल, ट्रेल टी टी से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग, सो टी से स्टार्ट हो रही है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज होता है? ए, ठीक है। एंड नेहा सेड आई वॉन्ट टू सिट इन कैमल कार्ट, और नेहा ने कहा कि उसे कैमल कार्ट पर बैठना है, ठीक है, कहाँ बैठना है उसे? कैमल कार्ट में। सो कैमल सी से स्टार्ट हो रही है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो किससे स्टार्ट होगा? इससे पहले क्या आएगा? ए, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय ए रेड बैलून सेज समीर, और समीर कहता है कि
कि मुझे एक रेड बलून खरीदना है एंड आई वॉन्ट गैस ऑरेंज वन, और सेज नेहा, और नेहा कहती है कि मुझे जो ऑरेंज वाला है वो खरीदना है। ठीक है, गैस आ रहा है किससे पहले, ऑरेंज। ऑरेंज की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओ। ओ क्या है, वोवल, वोवल है ओ, वोवल है, तो इससे पहले क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, मिस्टर गुप्ता सेड फर्स्ट वी हैव टू गेट इन द कार एंड गो टू द पार्क। सो मिस्टर गुप्ता कहते हैं कि पहले हमें कार में बैठना है और पार्क में जाना है, देन यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, सो हमारा मेन पर्पज इस क्वेश्चन में क्या था, ए और एन को फिल करना। ठीक है, ए और एन को फिल करना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कहाँ हम ए फिल करते हैं, कहाँ हम एन फिल करते हैं। ठीक है, और हमने हमारी वर्क ड्रिल की फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज भी कर ली। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। ओके, बाय।